मतलब आपके पास साथ बहुत सारी बातें साझी करनी है। पहली तो बात यह है कि आज जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पत्रकार भाईचारे के साथ जो व्यवहार किया गया वो अति निंदनीय है और ये मानना चाहिए, देश को समझ आ जानी चाहिए कि हमारी सरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो राज को, राजकर्ताओं को ठीक दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है, आप उसके आज उन्होंने उसके पास बहुत बड़ा हमला किया है। तो आज इससे मान लेना चाहिए लोगों को कि देश लोकतंत्र की बजाय डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे देश के लिए अति चिंता का विषय है। अभिमन्यु जी, आज फिर 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया, अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है, एक किसान घायल हुआ, क्या कुछ कर? देखिए, हम ये बात पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का चेहरा और चरित्र उजागर हो चुका है। सरकार पहले कहती थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के और किसी माध्यम से आओ, और किसी माध्यम से आ रहे हैं तो भी नहीं जाने दिया जा रहा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 13वां दिन है। स्थिति उनकी, तबीयत बहुत खराब है, किडनी भी उनकी डैमेज होने लग गई है। पूरे गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को भी सुनने की बजाय उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला बहुत दुखद है और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अब किसानों की सूद लेनी चाहिए। हरियाणा की खापे जो है, खास तौर पर कंडेला खाप, वो खाप जिसका रातों रात जब राकेश टिकैत जी रोए थे तो रातों रात वहां से ट्रैक्टर निकले थे, लेकिन अब की बार उनका ये कहना है कि एसकेएम जो है अभी एक नहीं हुआ, जिस दिन एसकेएम एक हो जाएगा पूर्ण तरीके से हम किसानों का साथ जरूर देंगे। नहीं, खाप का कहना है या खाप प्रधान का खाप कहना है? खाप प्रधान कौन से खाप प्रधान का कहना है? कंडेला हर खाप में भी तो कई प्रधान हो गए ना, हर खाप में दो दो तीन तीन प्रधान है, तो वो भी थोड़ा अगर आप स्पेसिफिक कर देंगे कि कौन से प्रधान ने कहा है तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। जहां तक इस बयान की बात है, मुझे लगता है कि ये बुजुर्ग हमारे मान सम्मान के योग्य हैं, हम सबका सत्कार करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और ये लड़ाई सबकी है। जहां तक वो कह रहे हैं कि भाई एसकेएम इकट्ठा हो जाए, कोई भी एकता होती है वो उसूलों प्रिंसिपल्स के आधार पे होती है। आज तमाम खापों में तीन तीन चार चार प्रधान बने हुए हैं, वहां भी तो कुछ ना कुछ कुछ दिक्कत है ना, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या और कोई बात हो सकती है। तो मेरी उनसे प्रार्थना है ये कि पहले कृपा करके पूरे घटनाक्रम को, पूरे मामले का समझने का, उसको जानने का प्रयास करें। बाकी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो आज आमरण अनशन कर रहे हैं, ये कोई अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रहे, उनका कोई निजी कार्यक्रम तो उनका है नहीं ये कोई, या कोई उनके घर का कोई कार्यक्रम हो जिसमें न्योता देना पड़े उनको या इनविटेशन देना पड़े, तो उनके घर का तो कोई कार्यक्रम है नहीं, कोई कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम तो है नहीं। लोगों की लड़ाई है, लोगों के हकों की लड़ाई है और जिंदा जमीर वाले लोग लगातार इसमें आ रहे हैं। हरियाणा से भी साथी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, राजस्थानी के भी साथी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो जिंदा जमीर वाले लोगों को न्योते की जरूरत नहीं पड़ती और न्योता सामाजिक प्रोग्रामों के लिए दिया भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम दोनों के रूल रेगुलेशन मानते हुए जो भी किसान संगठन आना चाहे उसका हम हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत करेंगे, उसका सत्कार करेंगे और माइक मंच मीडिया के पास भी उसे ही रखेंगे। लेकिन दोनों मोर्चों ने जो अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनका पालन जरूर करना पड़ेगा। इसी तरीके का बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी आया है, वो कह रहे कि हमें कोल नहीं दी गई, कोल देंगे तो हम उनका साथ जरूर देंगे। देखो, तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, उस बात को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई खाप प्रधान हो, चाहे कोई किसान संगठन के नेता हो, हमारे लिए सब आदरणीय है, सब सत्कार के योग्य है, सब मान सम्मान के योग्य है। अगर वो दोनों मोर्चों के नियम के अनुसार आना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल हार्दिक स्वागत किया जाएगा। कल यानी 9 तारीख को हमारे मोर्चे के 300 दिन भी पूरे हो रहे हैं और उसी उस पर जैसा हमने पहले आपको बताया भी था कि कल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को 14वां दिन होगा, तो इनके आमरण अनशन के समर्थन में पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में
सांसदों के घरों के बाहर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल हमारे किसान भाइयों द्वारा करी जाएगी। जो अभी हमारे पास सूचना मिल रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हर जगह किसान कल के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पंजाब के सभी संगठनों ने पूरा जोर जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है वो इन मोर्चों को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। और आपके माध्यम से भी एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे से पहले हमारे साथी सुखजीत सिंह जी ने कहा था कि पूरी तैयारी यहाँ पे सभी संगठनों की ड्यूटी, सभी के वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी हुई है और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे पहरेदारी का कार्य किया जा रहा है।